बता सकते हैं? मैं बताता हूँ, बताइए आप, बताइए। बीजेपी का मैं समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं आप जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस करते हो, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आप जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस वालों, मैं आप जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस करते हो, वालों मैं आप जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस करते हो। वरिष्ठ कांग्रेस मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की साख को धूमल करने में लगे हैं अपनी भी पार्टी के लोग। यह हम इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अब ज्वाली में पत्रकारों को सवाल पूछने की आजादी भी खत्म की जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी आनंद शर्मा का ज्वाली विधानसभा का दौरा था, लेकिन प्रत्याशी द्वारा जनसमूह को संबोधित करने के उपरांत जब पत्रकारों ने लोकसभा प्रत्याशी से महिलाओं को मिलने वाले 1500 रुपए के बारे में प्रश्न किया, तो अभी लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा उत्तर दे ही रहे थे कि फतेहपुर विधानसभा के विधायक भवानी पठानिया ने पत्रकारों को भाजपाई करार कर दिया। क्या अब सवाल भी नेताओं को पूछकर करना पड़ेगा? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की कांग्रेस विधायक द्वारा ऐसा बर्ताव कर कुचलने की कोशिश की गई है। इस वाक्य को लेकर आज प्रेस क्लब के तमाम सदस्यों ने बैठक कर कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि जब तक विधायक भवानी पठानिया क्लब के सदस्यों से माफी नहीं मांगते, तब तक लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का बहिष्कार किया जाएगा। इस संबंध में भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने कहा कि भवानी सिंह पठानिया सत्ता के नशे में चूर होकर अनाप शनाप बयानबाजी पत्रकारों के खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की कोई पार्टी नहीं होती, ये समाज सेवा के भाव से काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। के बाद सबको ये पैसे नहीं तो विधानसभा वाले कहाँ गए? विधानसभा क्यों बने थे? नहीं बाबा जी, आप भी बता सकते हैं। मैं बताता हूँ, हाँ बताइए, आप बताइए। बीजेपी का मैं समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मानो मैं आप जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस करते हो, चलिए नहीं ऐसी बात नहीं। आज ज्वाली में कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान आनंद शर्मा जी की एक सभा के दौरान पत्रकारों ने जब उनसे कुछ विषय के ऊपर प्रश्न पूछे, तो अचानक से फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया जी इतनी जोर से बट उठे और उन्होंने यहां तक कह डाला कि ये पत्रकार भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है या संजय गुलेरिया के पत्रकार है। मैं तो भवानी पठानिया जी को बड़े आदर से, उनको बहुत ही एक समझदार व्यक्ति के रूप में देखता हूं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपना टेंपर लूज करके वो डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के ऊपर बढ़ते हैं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। और मैं उनसे ये भी बात कहना चाहता हूं कि जो 1500 रुपए का जो सवाल पत्रकारों ने पूछा, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। 1500 रुपए का जो सवाल है, महिलाओं ने कांग्रेस को वोट विधानसभा में डाल दिया है। अब आप उसको दूसरी बार बनाने की कोशिश न करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने फतेहपुर में कितने पत्रकारों को कांग्रेस के रूप में उनको डर किया है। पत्रकार तो एक समाज सेवा का काम करते हैं, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, और जिस तरह से उन्होंने टेंपर लूज करके उनके ऊपर बरसे हैं, मुझे लगता है कि ये बात हमारे गले नहीं उतरी,